कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, दृढ़ निश्चय, अटूट मेहनत और संकल्प के साथ, मेहनत हमेशा सफलता प्रदान करती है और यही उदाहरण आज हमें देखने को मिला है बादली क्षेत्र के लाडपुर में स्थित लिल्लू अखाड़ा के पहलवानों द्वारा किए गए प्रयास का। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो तमाम पहलवान हैं जो इस समय मौजूद हैं लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में। और एक बड़ा हर्ष का विषय है, बड़े गौरव का विषय है, लिल्लू गुरुजी के जो शिष्य हैं उमेश पहलवान, जी हाँ उमेश पहलवान, जो चंद ही दिनों में अपनी मेहनत के बल पर, अपने गुरु के आशीर्वाद से और इन तमाम जो इनके साथी युवा खड़े हैं, इनकी दुआओं की बदौलत आज समस्त भारत देश में कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, कदम दर कदम सफलताएं इनके खाते में जुड़ती चली गई। मिट्टी के दंगल से शुरू होकर ये छोटे छोटे दंगलों से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और पंजाब के चैंपियन जस्सा पट्टी को हरा करके और भारत केसरी के मुकाम तक पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल आपको नजर आ रही है, यह उमेश पहलवान ने ही जीती है। बात करते हैं सीधे इनके कोच, इनके प्रशिक्षक, इनके गुरु और क्षेत्र में वर्षों से कुश्ती को नए आयाम देने वाले लिल्लू जी से। लिल्लू जी, बड़ा हर्ष का विषय है, मैं तो कहूँगा कि लगातार आपके शिष्य कुश्ती के क्षेत्र में इस भारतीय कुश्ती शैली को आसमान पर ले जा रहे हैं और आज एक और उपलब्धि आपके खाते में जुड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं पहले भी कहता रहा, इस सफल आयोजन में और इस कार्यक्रम को, कुश्ती को आगे बढ़ाने में आप सब ने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सबका ही, सबसे पहले तो आपका ही शुक्र गुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और जो ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, उमेश पहलवान ने इस हिंदुस्तान के न केवल छोटे से लेकर बड़े तक, जो आज के दिन जो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ चोटी के पहलवान, तमाम पहलवानों को चित करके ये मुकाम हासिल किया है। और ये जो बुलेट मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, इसमें पंजाब में इन्हें गौरव मछिवाड़ा, जो कि एक भारत के श्री पहलवान, उसको हरा कर इस मोटरसाइकिल के इनाम को अपने खाते में अर्जित की है। मैं इससे के लिए इस अपने होनहार शिष्य को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने भी अलग शिष्य हैं इनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं, आप भी इसी तरह मेहनत करके ये मुकाम हासिल करें, जो कि आने वाला टाइम इस अखाड़े के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। अनेकों अनेक भारत केसरी और इंटरनेशनल पहलवान इस अखाड़े ने आप सबके सहयोग से दिए हैं। मैं अकेला तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये संस्था आप सबकी साझ ली है। मैं केवल यहाँ पहाड़ी रोखाड़ी का काम करता हूँ। जितने भी पहलवान हैं, आप सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिन्होंने इस देश प्रदेश में, विदेशों में जाकर इस अखाड़े और देश प्रदेश का डंका बजाया। मैं उन सभी होनहार शिष्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, और जिला झज्जर कुश्ती संघ के प्रधान है लिल्लू। जी हाँ, लाडपुर क्षेत्र में अखाड़ा चला रहे हैं बेशक, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक महाराष्ट्र तक इनके चर्चे हैं। चर्चे भी क्यों न हो, इस जी चर्चे भी क्यों न हो, क्योंकि कुश्ती को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इस क्षेत्र में, वैसे तो जिला झज्जर को कुश्ती के हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब जब कुश्ती का जिक्र होता है तो लाडपुर अखाड़े के इस लिल्लू, लाडपुर के इस लिल्लू अखाड़े का नाम लिया जाता है। पहले एक बार बात करना चाहेंगे उमेश पहलवान से। जी हाँ, इस बुलेट का विजेता है यह लंबा तगड़ा सौष्ठव शरीर का नौजवान, जो उभरता हुआ सितारा है और आज चमकता हुआ सूर्य की भांति इस क्षेत्र में अपनी कुश्ती खेल कला कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। उमेश, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। अच्छा, किस तरह का मुकाबला रहा और क्या आपका अनुभव रहा, ये तमाम जो आपके साथी हैं जानना चाहेंगे, किस तरह की कुश्ती थी, क्या फंसा और क्या दांव चला? ये जी पंजाब में कुश्ती थी, गौरव मछेड़ा जो भारत के श्री पहलवान है जी, पहले तो उससे 20 मिनट आर पार हुई थी, फिर वो पोंटो में, बाद में पोंटो में कुश्ती कराई थी, फिर पोंटो में जीता था जी। वेरी गुड। अच्छा उमेश भाई, हम जानना चाहेंगे आपका फेवरेट दांव कौन सा है, किस वो कौन सा ऐसा खेल कला कौशल है, कौन सा ऐसा दांव है जिसने आपको आज इतना बड़ा पहलवान बना दिया है? जिस भी अखाड़े में हम जाते हैं, चाहे वो सूरा की बात करें, कोट की बात करें, हर अखाड़े में, हर दंगल में उमेश पहलवान पहली छुट्टी बोलता है, वो कौन सी ऐसी चीज आपके अंदर जिससे आप इस मुकाम तक पहुंचे हो? वो तो कुछ नहीं जी, आप अपने गुरु जी हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी मेहनत कराते हैं जी और गुरु जी ध्यान भी रखते हैं। चलो आगे आगे क्या सोचा है उमेश भाई, इस जीत के सिलसिले को लगातार बढ़ाते हुए कहाँ तक सोचा है? अभी तो बहुत आगे सोचा, अभी मैट पे, नेशनल, इंटरनेशनल पे जी। हाँ जी।
जी, और देखिए, जी हाँ, हौसलों से, जुनून से वो लड़ाई जीती जा सकती है जो लड़ाई असंभव नजर आती है, और यही वो शिष्य कर रहे हैं, यही वो छोटे से लेकर के बड़े तक के पहलवान कर रहे हैं, यहाँ पसीना बहा रहे हैं, कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। क्या पता इन्हीं में से एक दिन उमेश पहलवान और साबे पहलवान और लिल्लू पहलवान और बंसी पहलवान बनेंगे। पहलवान क्या नाम है? गणेश। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा, यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं या घूमने आए हैं? प्रशिक्षण लेने आए। जी, कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल, यहाँ का अखाड़ा और ये पहलवान, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रैक्टिस है यहाँ। जी हाँ। अच्छा, एक चीज जो महाराष्ट्र में आपको नहीं नजर आई वो यहाँ नजर आई, कोई अच्छी चीज, क्या ऐसी चीज है? टेक्निक और ज्यादा प्रैक्टिस है यहाँ। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेते हैं हमारे। जी, एक बार जोरदार तालियां इस अखाड़े के लिए। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र तक के पहलवान यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ जो तकनीक है वो सीख रहे हैं। जी हाँ, यही खूबसूरती होती है मिट्टी से जुड़े व्यक्ति की, जिसने संघर्ष किया है जीवन में, जिसने मेहनत की है जीवन में, वही कामयाब होता है। और लिल्लू कोच ने अपना जीवन कुश्ती को दे दिया है। क्या कहोगे पहलवान जी, आज एक और उपलब्धि जुड़गी आपके गाँव में, आपके अखाड़े में, आपके साथी ने जो ये जीती है बुलेट मोटरसाइकिल, आप क्या कहेंगे? संजय भाई, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि उमेश 3-4 साल पहले इधर अखाड़े में आया था जी। जो इसकी मेहनत, इसकी लगन ने इसको एकदम उच्च स्तर पे ले जाके छोड़ दिया, भारत के चोटी के पहलवानों में पहुंच गए। बिल्कुल, तो ये अपने लक्ष्य से पहुंचे हैं जी। और ये इधर खाड़े में ये बुलेट लेके आए हैं, तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको भी एक हौसला अफजाई मिलेगी, अपना आदर्श मानेंगे, हम भी उमेश की तरह कुछ अच्छा करें। जैसे सुशील पहलवान मेडल लेकर आए थे ओलंपिक से, उससे पहले पहलवानों की हवा थोड़ी डाउन चल रही थी, दूसरे तौर पे देखते थे पहलवानों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुशील पहलवान का मेडल आने के बाद थोड़ा अपने हिंदुस्तान में कुश्ती का स्तर ऊंचा उठा। उनके जो छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, उन्होंने उसको, सुशील पहलवान को अपना आदर्श माना, और आदर्श मान के आगे चलते गए, उनको बना के कि भाई हमने भी ओलंपिक में मेडल जीत के लाना है। फिर योगेश उधर पहलवान का आ गया, फिर उससे भाई बजरंग पहलवान तैयार हो रहा है और अन्य पहलवान तैयार हो रहे हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हमारे पास भी हैं, ये भी उमेश को देखकर प्रोत्साहित होंगे और ऐसा करने की सोचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अंत में एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे लिल्लू गुरुजी से, जो अखाड़े के संचालक भी हैं। लिल्लू जी, जिस प्रकार से यहाँ लगातार आपने जानकारी दी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हुए हैं, विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी आपके पहलवान नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, कुश्ती के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, क्या संदेश है तमाम अखाड़ा संचालकों को, पहलवानों को? एक विषय भी है लिल्लू जी, जिस प्रकार मैं भी दंगलों में जाता हूँ, जो आजकल कुश्ती को लेकर के जो लोगों में, जो कुश्ती खेल प्रेमियों में एक भ्रांति सी बन गई है कि भाई ये मिलकर लड़ रहे हैं, या नूरा कुश्ती है, या मज़ा नहीं आया। 1 बजे से जो लोग बैठ करके कुश्ती देखते हैं, शाम 6 बज जाता है और उनको कोई परिणाम नहीं मिल पाता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, पहली बात तो सबसे बेटर अगर कोई बात है तो इसका इलाज है मेहनत। मेहनत, बहुत बढ़िया। और जोरदार तालियां अपने लिए भाई, मेहनत। जी हाँ, हर चीज का राज मेहनत में छुपा है, हर चीज का राज मेहनत है, और मेहनत ही इस चीज का तोड़ है, और मेहनत करने वाला कभी नूरा लड़ता भी नहीं, बहुत बढ़िया। जो न मेहनत करते वे इस बकवास को, कुश्ती को, कुश्ती के नाम को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे कोई अखाड़ा इंचार्ज है या कोई पहलवान है, मैं उनके खिलाफ हूँ कभी से। मैं जिंदगी में नहीं चाहता कोई नूरा कुश्ती लड़े, अपनी मेहनत करो और काटा कुश्ती लड़ो, और काटा कुश्ती लड़ने वाला ही पहलवान आगे बढ़ता है, अन्यथा नूरा लड़ने वाला कभी मेहनत में आगे नहीं बढ़ता, ना उसका नाम होता। इसलिए मैं सभी तमाम भारत के सभी अखाड़ा संचालकों को, गुरुओं को, कोचों को ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पहलवान जाके नूरा कुश्ती नहीं लड़े। इससे नूरा कुश्ती लड़ने से देश की कुश्ती का भट्ठा बैठ जाएगा, और देश की कुश्ती अगर आगे बढ़ानी है तो मिट्टी से लेकर मैट तक कहीं भी कुश्ती हो, काटा कुश्ती लड़ो और बच्चों का सहयोग करो। देश की कुश्ती को आगे बढ़ाने में हम जैसे लग रहे हैं, और आप सब लग के हम देश की कुश्ती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज भी यहाँ से दिया गया है, जिस मैसेज की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाल ही में कासण में भी दंगल चल रहा है, हमने कई दंगलों में देखा है, और ये जो पहलवान हैं ये भी सभी दंगलों में जाते हैं। मेहनत करो, मेहनत करो, कांटा कुश्ती लड़ो और देश की कुश्ती को बचाओ। जी हाँ, मेहनत से ही सब चीज़ें हासिल हो सकती हैं, मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत से ही शौर्य मिलता है, मेहनत से ही सम्मान मिलता है, और वो कर दिखाया है लाडपुर अखाड़े के इस होनहार युवा उमेश पहलवान ने।